हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ शाइनी। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय नवंबर स्किन केयर एम्प्टीज। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। एंड हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा चिटचैट वीडियो होगा। मैं बहुत सारी पर्सनल बातें शेयर करूंगी, लाइफ अपडेट्स भी शेयर करूंगी, क्या चल रहा है एंड एवरीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो ये पूरा अनएडिटेड एक वीडियो रहेगा। सो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिसंबर मंथ मिडल चल रहा है, लेकिन अभी मैं नवंबर स्किन केयर एम्प्टीज शेयर कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं और आप लोग गले से पता चल रहा है आप सभी को कि आई एम नॉट एट ऑल वेल, क्योंकि थोड़ा सा मुझे सर्दी जुकाम हो गया था। अभी तो आई एम टोटली फाइन, बस थोड़ा सा डोज ब्लॉकेज है जिसकी वजह से अभी वॉइस में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बट आई एम टोटली फाइन। एंड सो मुझे लगा कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ वीडियो शूट करते हैं क्योंकि बहुत दिनों से मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं किया था। सो ये जो नवंबर स्किन केयर एम्प्टीज है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा है कि ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि जो भी एम्प्टीज है ना वो मैं फिर से रिपर्चेज करने वाली हूँ बिकॉज मुझे ये सारे प्रोडक्ट्स से काफी अच्छे लगे हैं। इनमें ना स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी है, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स भी है एंड हेयर केयर, मोस्ट इम्पोर्टेंटली काफी सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स है, शैम्पूज एंड कंडीशनर्स। सो ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप सभी के लिए, आई एम डैम श्योर, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स को मैंने कवर किया है एंड मेरी वॉशरूम में ना कभी भी एक तरीके का या एक ब्रांड का शैम्पू नहीं रहता है, दो तीन ब्रांड्स के शैम्पू रहते हैं। जब भी मेरा कुछ मन करता है तो मैं ये इस्तेमाल करती हूँ, वो इस्तेमाल करती हूँ, तो इस तरीके से मैं ये वो हर ब्रांड्स के शैम्पू कंडीशनर में ट्राई आउट करती रहती हूँ, जिसके मैं आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर करूंगी। सो हाल ही में ही नवंबर मंथ में काफी सारे ब्रांड्स के शैम्पू एंड कंडीशनर खत्म हुए हैं। सो आई रियली वेरी मच सरप्राइज ऑल्सो, और मुझे लगा चलो मेरे जो नवंबर स्किन केयर एम्प्टीज है उसपे आप लोगों के साथ बहुत सारे ऐसे शैम्पूस एंड कंडीशनर शेयर भी कर पाऊंगी। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद अ शैम्पू ओनली। ये है एल्प्स गुडनेस का स्विस लव केराटिन शैम्पू। इसके ऊपर भी मैंने रिव्यू शेयर किया था आप लोगों के साथ बहुत दिनों पहले, शायद एक साल भी हो सकता है, इस साल एक साल से ऊपर हो जाएगा। ये मैंने पर्सनली परचेज किया था खुद से ही एंड ये शैम्पू ना बहुत ही ज्यादा माइल्ड है, तो अगर आपके बालों में हेवी ऑयलिंग की है आपने तो ये वर्क नहीं करेगा, मतलब ऑयल को ये रिमूव अच्छे से नहीं करेगा। लेकिन डेली बेसिस पर अगर आप शैम्पू करना चाहते हैं स्पेशली फॉर मेन, क्योंकि आई नो कि मेन जनरली डेली बेसिस पर या एक या दो दिन बाद ही शैम्पू करते हैं, तो उनके लिए काफी अच्छा है, बहुत ही माइल्ड है, तो हेयर को ना ज्यादा रफ या फ्रिजी नहीं बनाता, विच आई लव, क्योंकि मेरे हेयर बहुत ही ज्यादा ड्राई है, तो ये मेरा खत्म हो गया है बिल्कुल भी। एंड अभी आप लोगों को पता है कि मेरा जो रीसेंट करंट हेयर केयर रूटीन है उसको भी मैंने शेयर किया है, तो वो आप चेक कर सकते हैं क्योंकि ये सारा मेरा खत्म हो चुका है और मेरा एक हेयर केयर रूटीन मैं फॉलो कर रही हूँ अभी पिछले एक महीने से, आई विल से, क्योंकि ये मेरे नवंबर के मिडिल में ही खत्म हो चुके थे सारे प्रोडक्ट्स, तो इसी वजह से मैंने वो जो नया वाला हेयर केयर रूटीन है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। और वो जो प्रोडक्ट्स है ना, दे आर जस्ट अमेजिंग, मतलब वो मेरे लिए इतना अच्छा से वर्क कर रहा है, मेरे हेयर का जो टेक्सचर है वो पूरा चेंज हो गया है, अभी मेरे हेयर बहुत ही ज्यादा जल्दी से ग्रो भी कर रहे हैं। सो अगर आप उस वीडियो को चेक नहीं किया है तो आप जरूर, यहाँ पर मैं लिंक कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप डेफिनेटली उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। दैट्स माई अपडेटेड हेयर केयर रूटीन। लेकिन ये शैम्पू भी अच्छा है, बहुत ही माइल्ड शैम्पू है, सो अगर आप माइल्ड शैम्पू ढूंढ रहे हैं डेफिनेटली गो फॉर इट, ये आपको पर्पल वेबसाइट पर मिल जाएगी। नेक्स्ट अगेन मेरे पास ये एलाइसा का एक शैम्पू है, ये है बनाना शैम्पू, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में एक रिव्यू वीडियो शेयर किया था। ये शैम्पू मुझे काफी अच्छा लगा, ये काफी अच्छा है, लेकिन ये प्योर बनाना का स्मेल है इसमें, तो अगर आप बनाना का स्मेल आपको अच्छा नहीं लगता, जो कि मुझे उतना अच्छा नहीं लगता, तो ये आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका जो स्मेल है ना वो प्योर बनाना का स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, सो वो मुझे फ्रेग्रेंस पार्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, बट ये आपको हेवी ऑयलिंग की है फिर भी ये निकाल देगा, इट्स अ नाइस शैम्पू। एक्चुअली मैं कभी भी एक ब्रांड को या एक शैम्पू को रिलीजियसली मैं फॉलो नहीं करती थी, दैट्स वाई मेरे हेयर उतना ज्यादा अच्छे नहीं होते थे, क्योंकि आपके बालों को या स्किन को ठीक करने के लिए एक डिटेल में आपको रिलीजियसली एक प्रोडक्ट को या फिर एक ब्रांड को फॉलो करना जरूरी है, जो मैं नहीं करती थी, लेकिन अभी मैं वैसा करती हूँ, मेरा जो हेयर केयर रूटीन है वो पूरा चेंज हो चुका है, विच आई एम लविंग ऑल्सो। और आप सब भी मुझे डीएम कर रहे हैं पर्सनली कि आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं आपके हेयर में, आपका जो हेयर टेक्सचर है वो पूरा चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी हेयर ग्रोथ भी हो रही है,
सो या आप लोग वो वीडियो जरूर चेक कर दो। नेक्स्ट अगेन मेरे पास एक शैम्पू है, ये है एज वॉश कफेन शैम्पू, और ये शैम्पू भी मैंने ई मेगामार्ट वेबसाइट से ही परचेज किया था। ये शैम्पू बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड इनफैक्ट इसके ऊपर मैंने जो एक पर्टिकुलर जो रिव्यू डिटेल में एक रिव्यू वीडियो शेयर किया था, उसके नीचे मैंने काफी लोगों का कमेंट्स पड़े हैं कि वो लोग बोल रहे हैं कि मेरे डॉक्टर ने तो इसे प्रिस्क्राइब किया था मुझे। सो आई एम वेरी लकी कि आई चूज दिस शैम्पू, क्योंकि ये डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जो पेशेंट्स उनको आते उनके पास आते हैं उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। सो दिस शैम्पू इज रियली गुड, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये ट्यूब मेरा टोटली खत्म हो चुका है, इसी वजह से, इस शैम्पू की वजह से ही मैं फिर से ई मेगामार्ट के वेबसाइट पर मैं गई थी। आई रीपर्चेस्ड सब ई मेगामार्ट प्रोडक्ट्स एंड मैं उसे ही अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स जब किसी ब्रांड पर भरोसा करते हैं ना, तो मैं तो उसे आंख बंद करके मैं चूज कर सकती हूँ। ऑल्सो मैंने परचेज तो किया है, लेकिन फिर मैंने जब इस्तेमाल करना स्टार्ट किया उसके बाद आई नोटिस्ड द चेंज, एंड उसके बाद ही मुझे इतना अच्छा फील हुआ। मैं ऑनेस्टली आप लोगों के साथ ये रिव्यू शेयर कर रही हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो वगैरह नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड ये सब वेबसाइट्स एंड ये सब ब्रांड्स के बारे में ना काफी लोग नहीं बात करते, क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड वगैरह वीडियोस नहीं करते हैं, दैट्स व्हाई पीपल डोंट टॉक मच अबाउट देम। बट आप ही सोचिए, अगर डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, देन हाउ कूल इट इज, मतलब ये कितना अच्छा वर्क करता है, दैट मीन्स। सो ये भी बहुत अच्छा शैम्पू है। सो नेक्स्ट अगेन मेरे पास एक शैम्पू है, ये है न्यूट्रीग्लो ड्राई एंड डैमेज शैम्पू, पूरा खत्म है, एम्प्टी कंटेनर है, यू कैन सी। और ये शैम्पू अच्छा है, लेकिन अगर आपके बाल बहुत ही ज्यादा फ्रिजी है तो ये आपके लिए अच्छे से वर्क करेगा। अगर आपकी स्कैल्प बहुत ऑयली है, देन दिस इज नॉट एट ऑल फॉर यू। ड्राई एंड फ्रिजी हेयर के लिए बहुत अच्छा शैम्पू है। ओके, नाउ शैम्पू खत्म हो चुके हैं, लेट्स मूव ऑन टू बॉडी केयर प्रोडक्ट्स, जिसमें ये बॉडी क्यूपिड का शावर जेल मैं इस्तेमाल कर रही थी। एंड ये शावर जेल, इसका जो फ्रेग्रेंस है ना, बहुत ही फ्रूटी सा एंड मैंगो जैसा फ्रेग्रेंस है, टोटली एकदम प्योर मैंगो जैसा नहीं है, बहुत ही फ्रूटी सा इसका फ्रेग्रेंस है, अच्छा फ्रेग्रेंस है। लेकिन ये बहुत ही कम क्वांटिटी में आपको चाहिए, एंड उसे लादर अप, इजिली लादर अप भी हो जाता है, एंड बॉडी को अच्छे से क्लीन भी करता है। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो शेयर किया है, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। दिस इज अ रियली गुड बॉडी वॉश, स्पेशली ये आपको जस्ट स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, एंड ये इजिली आपके बॉडी को क्लीन कर देता है, दैट्स व्हाई आई लाइक इट वेरी मच। ये मेरा शायद 2 मंथ्स चल गया था इजिली, बिकॉज बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए आपको। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू स्किन केयर प्रोडक्ट्स। स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ये मेरे पास है, ये है येका हर्बल्स का कुकुमाती ग्लो सीरम। दिस इज अ जेम, आई मस्ट से, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और ये आपके फेस अगर ड्राई है, मेरा फेस विंटर्स में बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाता है, ये आपके फेस के लिए बहुत अच्छे से वर्क करता है। स्किन पर एक ब्राइडल जैसा जो ग्लो होता है ना, वैसा ग्लो प्रोवाइड करता है, स्किन को इवन बनाता है, एंड इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, इट इज वेरी अफोर्डेबल, सिर्फ 199 रुपीज में आपको ये मिल जाएगा, उससे भी कम। आई मीन जो 10 ml का जो बॉटल है ना, वो सिर्फ 99 रुपीज का है। सो दिस इज वेरी गुड, आप एक बार जरूर इस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते हैं। ये आपको ये येका हर्बल्स के जो वेबसाइट है वहां पर मिल जाएगा, एमेजन पर भी आपको मिल जाएगा इजिली। सो दिस इज अ रियली गुड प्रोडक्ट। और नेक्स्ट एक आई सीरम है, जो मैंने पर्पल वेबसाइट से परचेज किया था, ये है डर्म डॉग आई सीरम। ये आई सीरम ना मुझे पहले अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब 15 to 20 days के बाद मुझे लगा कि हाँ, मेरे अंडर आईज बहुत ही ज्यादा हाइड्रेट हो रहे हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगने लगा। लेकिन बात बताऊंगी, मेरे ना अंडर आई एरिया पर कोई भी अदर क्रीम्स सूट नहीं करते, जैसे मैं डिव्या इस्तेमाल करती हूँ, डिव्या भी मेरे अंडर आईज पर सूट नहीं करता। आई मीन आईज बहुत ज्यादा जल्दी लग जाता है, तो मैं इस तरीके के आई सीरम इस्तेमाल करती हूँ ताकि मेरे आईज ना जले। और आईज के चारों ओर में आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो ये अच्छे से हाइड्रेट करता है। मेरे पर्सनली डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स व्हाई मैं डार्क सर्कल्स को दूर करता है कि नहीं मैं नहीं बता सकती, बट डेफिनेटली ये इंटेंस हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, बहुत ही लाइट है। सो ये आपको पर्पल वेबसाइट पर मिल जाएगी। नेक्स्ट इज माई फेवरेट प्रोडक्ट, ये है दिव्या क्रीम। और ये क्रीम मेरे घर में बहुत सारे ऐसे डिब्बे हैं इस क्रीम के, ये ब्लू वर्जन है। इसका जो व्हाइट वेरिएंट है, जो रिसेंट में मैंने परचेज किया है डाइका हॉल पर, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, वो भी मेरे आईज को इरिटेट कर रहा है, आईज बहुत ज्यादा यू नो लाल हो जाता है एंड पानी निकलने लगता है। लेकिन
इसको अगर मैं अंडर आई एरिया पर लगाती हूँ ना, कोई इरिटेशन नहीं होता है। दिस इज द ओनली क्रीम जो मैं अंडर आई एरिया पर लगा सकती हूँ। बट ये पूरा खत्म हो चुका है मेरा, बट अभी तो आउट ऑफ स्टॉक है। रिसेंटली कहीं पर भी मिल नहीं रहा है ये वाला क्रीम, ब्लू वर्शन। अगर आपको दिखे तो डेफिनेटली नोटिफाई दी कमेंट करके। वैसे ये क्रीम बहुत अच्छा है, मेरी ड्राई स्किन है तो ये मेरे लिए अच्छे से वर्क करता है। मतलब विंटर्स में ज्यादातर ड्राई हो जाती है, वैसे तो कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है मेरी। सो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा। रैंडमली ही मैंने ये वीडियो शूट कर दिया, मुझे बहुत वर्क कर रहा था वीडियो शूट करने के लिए, क्योंकि काफी दिनों से मैं रेस्ट पर थी एंड अभी मैं थोड़ा सा रिकवर कर रही हूँ। और गाइस, आप लोगों को किस तरीके का वीडियो पसंद आ रहे हैं वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।